स्वागत है आप सबका आज के नए वीडियो में। तो आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे हो। और आज का ये वीडियो जो है ये मेघालय स्टेट बेंच प्रेस चैंपियनशिप का कंटिन्यूएशन होने वाला है। अगर आप लोगों ने मेरा कंपटीशन वाला व्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ पे एक आई बटन दिख रहा होगा, आप लोग वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हो। और आज का ये वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि वो कॉम्पिटिशन में क्या क्या चीज़ें अच्छी थी और क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जो कि लाइक इम्प्रूव किया जा सकता है। और हाँ, बस वही, उसी के बारे में बात करेंगे। और अगर आप लोग को कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है या फिर कुछ भी चीज़ जानना है तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 महीने सिंसियरली प्रैक्टिस करने के बाद जब हम लोग वेन्यू पहुँचे तो वेन्यू में जाके हमें पता लगा कि वार्म अप के लिए कोई अरेंजमेंट नहीं था, ना बेंच था, ना बारबेल था और ना वेट था। तो पहला तो हम लोग यही कंफ्यूज हो गए कि वार्म अप के लिए कोई जगह क्यों नहीं थी। और दूसरी बात ये है कि जो कॉम्पिटिशन बेंच था वो बेंच एक्चुअली इतना छोटा था बेंच, ठीक है। तो बेंच बहुत ज़्यादा छोटा था और मतलब क्योंकि वो स्टैंडर्ड बेंच था नहीं इसलिए वो छोटा था। और वो बेंच जो था वो नॉर्मल कोई जिम से लेके आया था, वो कोई आईपीएफ अप्रूव्ड बेंच था नहीं। प्लस बारबेल भी वैसा ही था, कोई जिम से लाया गया बारबेल था। और जो वेट्स थे वो रबर वेट थे, कैलिब्रेटेड प्लेट्स भी नहीं थे। तो मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि एटलीस्ट उन लोग बेंच, बारबेल और वेट्स जो होंगे वो एटलीस्ट स्टैंडर्ड वाले रखेंगे, लेकिन वो वैसा था नहीं। प्लस वार्म अप के लिए कुछ नहीं रखा था। तो ये थी जो कि लाइक इम्प्रूव किया जा सकता है। मैं आई होप कि ये आगे वाले आने वाले कॉम्पिटिशन में इम्प्रूव हो, लेकिन ये मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि इन लोग ऐसे रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि वेट क्लासेस, इन लोगों ने क्या किया कि जैसे फीमेल वेट क्लासेस जो है 47, 52, 57 ऐसे वेट क्लासेस जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया पता नहीं क्या हुआ, पहले हम लोग को बताया गया था कि 52 एक वेट क्लास है, फिर 57 अलग वेट क्लास है, ठीक है कोई बात नहीं। फिर जब उन्होंने कंपटीशन कराया उन्होंने क्या किया, 52 और 57 को मर्ज कर दिया तो दोनों मिला के सिंगल वेट क्लास बन गया जो कि बन गया बिलो 57। सो ऐसे करके लाइक हमें बिफोर हैंड बताना चाहिए था लेकिन इन्होंने बताया नहीं। ये एक प्रॉब्लम थी, ये एक प्रॉब्लम हुई हमें। और मेंस लड़के लोगों का जो वेट क्लासेस था वो स्टैंडर्ड वेट क्लासेस नहीं था, उन्हें जो लगा उन लोगों ने वो बिठा दिया। मैं आपको एक फ़ोटो दिखाऊंगा तो उसमें मैंने पूरा लाइक उसका फ़ोटो खींचा था क्योंकि उन लोग एक्सेल शीट डिस्प्ले कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने ऑटोमेटिक वहाँ पर उन्होंने वेट क्लासेस मैंशन करके रखा था। तो वेट क्लासेस लाइक स्टैंडर्ड वेट क्लासेस नहीं थे। उसके बाद जो जजमेंट था, तो जजमेंट मोस्टली इट वॉज ओके, लेकिन कुछ एथलीट के साथ ऐसा हुआ कि अकॉर्डिंग टू रूल बारबेल जब आके आपके चेस्ट को टच करेगा उसके बाद प्रेस कमर डालना चाहिए, लेकिन कुछ एथलीट के साथ क्या हुआ कि बारबेल यहाँ तक आया फिर स्लो हो गया, टच करने से पहले उन्हें प्रेस कमांड मिल गया। तो उन लोग क्या कर रहे थे, टच करके प्रेस कर ले रहे थे, जो कि क्या हो गया आपका टच एंड गो बेंच प्रेस हो गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि इम्प्रूव किया जा सकता है क्योंकि पावर लिफ्टिंग इंडिया जैसे हमें सब लोग को पता ही था कि इट इज़ अ स्टैंडर्ड फेडरेशन। तो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये फेडरेशन के अंदर जितना भी कॉम्पिटिशन हो रहा है सब लोग एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चले। और बाकी सब जो था कॉम्पिटिशन में उन लोग का अरेंजमेंट इट वॉज ओके। सबसे अच्छी बात ये लगी कि वहाँ के जो मैनेजमेंट थी वो सपोर्टिव थी, तो सब एथलीट्स को लाइक मोटिवेटेड फील हो रहा था, वो मैंने नोटिस किया। मेरे को भी लाइक मोटिवेटेड फील हो रहा था, इवन तो मैंने पार्ट नहीं लिया लेकिन मेरे को लाइक अच्छा वाइब आ रहा था कि हाँ एवरीबडी इज सपोर्टिव, वो अच्छा था। फिर वेन्यू जहाँ पे था लाइक जो हॉल उन्होंने जो बुक किया था वो भी अच्छा था, एवरीथिंग वॉज ओके। तो एवरीथिंग वॉज गुड एक्सेप्ट फॉर द इक्विपमेंट्स। सो आई होप कि आने वाले सालों में यहाँ का स्टैंडर्ड और इम्प्रूव होगा, नए नए एथलीट्स और आएंगे और
मेरा भी कंपटीशन अभी आने वाला है कुछ ही, अभी तक डेट दिया नहीं है लेकिन वो भी आने वाला है, तो उसी की उसका तैयारी भी चल रहा है फुल ऑन, उसके लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ और देखते हैं कि कैसा होता है। सो तब तक के लिए